हे गाइस, वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मंजीत और हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ब्रीड के बारे में जिसके बारे में आप में से सिर्फ 5% लोग ही जानते होंगे, जिसका नाम है सामोयेड और ये एक रशियन डॉग ब्रीड है। वैसे हो सकता है कि इन पपीज या इनके पेरेंट्स को देखने के बाद आप लोगों को लगे कि ये चाउ चाउ या फिर इंडियन स्पिट्स हैं, बट सामोयेड इन दोनों से अलग डॉग ब्रीड है जो कि मीडियम साइज के होते हैं। सामोयेड थोड़ी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है और साथ में ये पपीज केसीआर रजिस्टर्ड हैं। वैसे गाइस, इस ब्रीड को मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जिन लोगों के पास टाइम है डॉग्स को देने के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सामोयेड एक बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है जिसे हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए इनके साथ खेलने के लिए, बिकॉज ये हमेशा खेलना पसंद करते हैं कोई ना कोई गेम या फिर किसी ना किसी चीज के साथ। सामोयेड एक बहुत ही रेयर डॉग ब्रीड है जो कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर पर्सनली बताऊं तो मैंने भी इस डॉग ब्रीड को पहले कभी नहीं देखा, बट सामोयेड दिखने में बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं। ये ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। वैसे इन्हें परचेज करने से पहले एक चीज का ख्याल भी आप लोग जरूर रखें कि इस ब्रीड के फर काफी बड़े होते हैं जिसकी वजह से इन्हें ठंडे इलाकों में रहना ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप लोग ज्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी वाले इलाकों में रहते हैं तो आप लोग सामोयेड को परचेज ना करें। वैसे फ्रेंड्स, पपीज के साथ आप लोग इनके फादर को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में है एंड पपीज की क्वालिटी भी अल्टीमेट है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में और बातें करते हैं, बट उससे पहले यह है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है दर्शन राठौड़, सेकंड है दनव गेमिंग एंड थर्ड है प्रेम उमेल। ये ब्रीड अपनी फैमिली और ओनर के साथ ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी आप लोग सामोयेड को परचेज कर सकते हैं। सामोयेड डबल एंड थिक कोट में होते हैं जिसकी वजह से इनके कोट को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे अगर आप लोग एक प्योर एंड बेस्ट क्वालिटी का सामोयेड पपी परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इन ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि पपीज केसीआर रजिस्टर्ड हैं, तो आप लोग इन्हें डॉग शोज में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पपीज की एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में। तो अगर फर्स्टली इनकी एज के बारे में बात करें तो पपीज 45 डेज के हो चुके हैं एंड इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन पपीज को आप लोग इंडिया में कहीं पर भी मंगवा सकते हैं, बिकॉज ओनर आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। तो आप लोग एक टोकन अमाउंट पे करके इन पपीज को अपने घर पर मंगवा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग इतनी एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड को परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये सिर्फ मेली अवेलेबल है एंड केसीआर रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 65,000 रुपीस यानी 65,000 रुपए। वैसे प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम आप लोगों को इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।